यहाँ पे आप लोगों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो होगी लैंग्वेज की, उसके बाद आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी खाने पीने की। ये जो पार्ट है ये है ब्रेकफास्ट वाला पार्ट, आप लोगों को यदि ब्रेकफास्ट करना हो। और एयरपोर्ट आ गया है, देखो बात करते करते एयरपोर्ट आ गया है। लेटर 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 या ऐसे मार्केट मैंने पहले कभी नहीं देखी इस तरह के, इतने अफ्रीकन कंट्रीज में घूम चुका लेकिन इस तरह के मार्केट। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। और अभी मैं हूँ इथियोपिया की कैपिटल अडिस अबाबा में, और अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो मेरी हॉस्टल से लगभग 3.5 किलोमीटर था, और 3.5 किलोमीटर मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल, क्योंकि लपड़ा क्या था, मैंने इतने ही पैसे एक्सचेंज करवाए थे जितना मेरा कल शाम तक काम चल जाए। क्योंकि आपके पास यहाँ पे यदि बिर बच जाते हैं, यहाँ की लोकल करेंसी है बिर, वो बच जाते हैं तो आप उनको कहीं एक्सचेंज नहीं करवा सकते, बिकॉज ऑफ ब्लैक मार्केट। यहाँ पे ब्लैक मार्केट चलता है, आप लोग डॉलर के बदले बिर तो कहीं भी ले सकते हैं लेकिन बिर के बदले डॉलर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अभी एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 2.2 किलोमीटर और बचा है। ये है एयरपोर्ट रोड, और आपको देखो एडिस अबाबा में देखने को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही होगी। सुबह सुबह एडिस अबाबा की हलचल कुछ ऐसी है, आप लोग भी देख लो। यहाँ पे ठंड ज़बरदस्त है, सर्दी, आप लोग सोचते हो ना अफ्रीका में सर्दी नहीं पड़ती है, यहाँ पे इतनी ठंड है, बहुत ज़बरदस्त ठंड है। बहुत लोग सोचते हैं कि अफ्रीका के लोग उनका रंग ब्लैक होता है तो वहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती, केवल गर्मी गर्मी पड़ती है। भाई सर्दी भी पड़ती है यहाँ पे। और आप लोग ये देखो यार, ये लोग ना यहाँ पे सर्दी में सो रहे हैं यार, बाहर कैसे सर्वाइव करते होंगे यहाँ पे सर्दी में। और ये देखो ये यहाँ पे तो बिना कंबल अम्बल के ही पड़े हैं यार, कितनी कितने बुरे हालात। भाई इन लोगों को देख के ना ऐसे लगता है कि अपन लोग ना बहुत ही अच्छी कंडीशन में जी रहे हैं। ये देखो ये भाई है जो सुबह सुबह अपनी दुकान जचाने में लगा है। आप लोग देखो ये लेडी है जो सुबह सुबह 6:30 बजे यहाँ पे अपनी शॉप खोल के बैठ गई है। अब यहाँ से शुरू होता है थोड़ा भीड़ भड़ाका, आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी भीड़ भड़ाका देखने को मिल जाएगा। मैं दिखाते चल रहा हूँ आप लोगों को एडिस अबाबा की मॉर्निंग की हलचल। और यहाँ पे ये ऐसे होते हैं कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन है ना, ऐसे इनको पता नहीं डाला डाला मटाटू, कहीं अफ्रीका में डाला डाला बोलते हैं, कहीं मटाटू बोलते हैं। यहाँ से शुरू हो गई यहाँ की वेजिटेबल मंडी, फ्रूट मंडी। यहाँ पे आप लोगों को देखो प्याज, प्याज अच्छा खासा, आलू, पटेटो, वाटरमेलन, कैबेज, यहाँ से शुरू हो जाता है। अब यहाँ का मार्केट है धीरे धीरे, अभी अर्ली मॉर्निंग है, सुबह सुबह ही है तो ये मार्केट अभी लगने वाला है। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा भीड़ होता है, थोड़ी देर में आपको घंटे दो घंटे बाद बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। और ये जो पार्ट है ये है ब्रेकफास्ट वाला पार्ट, आप लोगों को यदि ब्रेकफास्ट करना हो तो आप लोग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे समोसे, ब्रेड वगैरह काफ़ी कुछ मिल जाएगा। यहाँ के लोग ना कैमरा सही होते हैं, पुराने क्या दिक्कत होती है इन लोगों को कैमरा से। और एयरपोर्ट आ गया है, देखो बात करते करते एयरपोर्ट आ गया है, सामने एयरपोर्ट है, बस ज़्यादा दूर नहीं है। अब वो सामने वो जो दिख रहा है वो आपको एयरपोर्ट ही है। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उस साइड इंडिया की तरह, यहाँ पे अपोजिट है एक्चुअली, और गाड़ियाँ आ रही है इस साइड से, और मैं पीछे उस साइड देखता देखता आ रहा हूँ। हम जा रहे हैं मेडागास्कर, अब होने वाला है ज़बरदस्त एडवेंचर। और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं जो बोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ के टर्मिनल 2 पे। तो यहाँ पे अपना सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब हो गया है, बोर्डिंग पास मिल गया है। और मेडागास्कर, यहाँ जब मैं केनियन एयरवेज से जा रहा हूँ तो मेडागास्कर के लिए उन्होंने रिटर्न इथियोपिया के लिए टिकट मांगा या ऑन टिकट मांगा, उसके बाद मैंने टिकट बुक की है मेडागास्कर से मॉरिशस के लिए, क्योंकि बिना टिकट के नहीं मान रहे थे। मैंने रिक्वेस्ट भी की, मैं एक फुल टाइम ट्रेवलर हूँ, मैं घूमता रहता हूँ यार, जाने दो, लेकिन नहीं माने कोई ना। और यहाँ का सिक्योरिटी यार, 2-3 जगह तो सारे बैग खुलवा लेते हैं, इतना सिक्योरिटी चेक इन करते हैं पूछो मत, हद से ज़्यादा। और ये है यहाँ का एयरपोर्ट, अपना गेट नंबर है C2। सो फाइनली अपनी फ्लाइट है जो पूरे के पूरे 2 घंटे लेट है, और 6-7 घंटे का केन्या में ले ओवर है, और एक केन्या एयरवेज से हम लोग जा रहे हैं अभी, हमें एडिस अबाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे।
और अब फ्लाइट लैंड होने वाली है केन्या नैरोबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। सो अभी यहाँ से नैरोबी एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट है मेडागास्कर के लिए रात को 10 बजे और अभी काफ़ी टाइम है, अभी 5 बजे है। तो ये थोड़ा बहुत खाना पीना खाते हैं और ये देखो यहाँ पे मैंने ये कुछ वेज, एक्चुअली यहाँ पे वेज ऑप्शन बहुत कम मिलते हैं, वेज ऑप्शन आपको बहुत कम मिलेंगे यहाँ पे एयरपोर्ट पर। आज का देखो मैंने ब्रेकफास्ट किया एडिस अबाबा में इथियोपिया में, लंच कर रहा हूँ केन्या में और डिनर करूँगा मेडागास्कर में। अभी शाम का बजा है 8:30 और अभी पूरा का पूरा 1.5 घंटा बाकी है फ्लाइट टेक ऑफ करने में। और खाना एक तो एयरपोर्ट पे खाना पीना बहुत महंगा पड़ता है। पहले मैं जब मैंने लंच किया तब वो लगभग कितना 1,070-1,100 रुपये के लगभग पड़ गया। और अभी एक कितना 500 ml का पानी का बोतल, ये पानी का बोतल लिया है, ये पानी का बोतल 170 रुपये का पड़ा है। तो एयरपोर्ट मतलब जब फ्लाइट होना तो ज़्यादा लंबा ले और होना बहुत नुकसानदायक होता है। सो गाइज वेलकम टू मेडागास्कर और ये देखो मेडागास्कर की झलक इन लोगों ने थोड़ी सी एयरपोर्ट पे लगा रखी है। हम लोग मेडागास्कर की ये सब जगह घूमने वाले हैं। एक्चुअली मेडागास्कर में हम लोग बिताने वाले हैं पूरे के पूरे 25 दिन। वैसे दिखने में तो बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है यार। और अभी यहाँ पे मुझे सिम कार्ड लेनी है। अभी मैं हूँ एंटानानारिवो एयरपोर्ट पे जो मेडागास्कर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पे सिम कार्ड की शॉप बहुत सारी है लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा यार, कोई ऑरेंज को ठीक बता रहा है, कोई टेलमा ठीक बता रहा है, कोई एयरटेल बता रहा है। यहाँ पे एयरटेल भी है। अभी है जो मुझे मनी एक्सचेंज भी करवाना है, मनी एक्सचेंज है जो यहाँ पे अभी पता नहीं यार रेट क्या है यहाँ पे एयरपोर्ट पे। वैसे नॉर्मली एयरपोर्ट पे आपको रेट कम ही मिलेगा तो थोड़ा सा मुझे मनी एक्सचेंज करवाना है। और अभी होटल जाना है और अभी रात का हो रहा है 2:15 बज रहे हैं अभी रात के। तो होटल मेरा है जो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है और जो बंदा है वो मांग रहा है लगभग 1200 रुपये, 8 किलोमीटर के लगभग 1200 रुपये मांग रहा है। 1200 रुपये 8 किलोमीटर के बहुत ज़्यादा है। यहाँ की करेंसी है मेलागासी, मेलागासी $1 में लगभग 4000 और 20 मेलागासी होते हैं। और यदि इंडियन करेंसी की बात करें तो एक इंडियन रुपीज़ में लगभग 53 मेलागासी होते हैं। अभी यहाँ से देखो मैंने $50 एक्सचेंज करवाए हैं, $50 के बदले मुझे मिला है 2,05,000 मेलागासी। और ये है यहाँ की करेंसी मेलागासी, 20,000 के नोट हैं। और यहाँ पे इंटरनेट तो बड़ा ही महंगा है यार, 30,000 मेलागासी में केवल आपको 4.5 GB मिलेगा और 3,99,000 मेलागासी में आप लोगों को मिलेगा 250 GB। व्हाट्स योर नेम? सॉरी, यूली। एंड योर? अरांतु। यहाँ की कैपिटल का नाम यार एंटानानारिवो। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा मेडागास्कर है कहाँ पे। देखो भाई अभी चलाने से तो ऐसे लग रहा है कि इंटरनेट बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। दिस इज माय फोन नंबर 0325 स्टार्टिंग फ्रॉम 03। ओके ओके थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ओके थैंक यू। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक? मेलागासी। ओके तो यहाँ से सिम कार्ड ले लिया है, मैंने एक्सचेंज करवा लिया है जो आज के काम के लिए आने वाला है जो सिम कार्ड। हालांकि अभी तो इंटरनेट अच्छा खासा काम कर रहा है, बाकी देखते हैं कल तक कैसा काम करता है। और ये देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये सुनसान पड़ा है, छोटा सा एयरपोर्ट है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे रात को कोई बंदा आए जाए तो कहाँ जाए यार। गुड मॉर्निंग गाइज, और यहाँ पे टाइम हो गया लगभग 12:30। तो अभी मैं खाना पीना खाने जा रहा हूँ, ये मेरे हॉस्टल में ही रुका हूँ अभी। ये हॉस्टल बहुत नॉर्मल सा हॉस्टल है, ज़्यादा कोई खास हॉस्टल नहीं है। मतलब क्या बताऊँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ लगभग 500 रुपये पर डे के। यहाँ पे हॉस्टल वगैरह होटल वगैरह पता नहीं क्यों इतने महंगे हैं, पूछो मत यार, ज़बरदस्त महंगे हैं। और अब आप लोगों को लेके चलता हूँ एंटानानारिवो की सड़कों में, गलियों में, यहाँ की मार्केट वगैरह घुमाने। मुझे थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना, भूख लगी है जोरों से। 12:30 बज गए सुबह का और अभी चलते हैं। ये देखने से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हिली एरिया है, ये सड़क देख के। ये देखो ये पहली झलक ऐसी है आप लोगों के लिए एंटानानारिवो की। और यार अब तक तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है, करेंसी यहाँ की इंडिया से बहुत वीक है लेकिन एक्सपेंसिव महंगा बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखते हैं, शायद मैं, हो सकता है मेरे लिए यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। यहाँ पे केवल दो लैंग्वेज चलती है, मेलागासी और फ्रेंच, केवल दो ही लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश नहीं के बराबर।
1% लोग भी इंग्लिश नहीं बोलते हैं, लगभग 30% है जो फ्रेंच बोलते हैं और 70% जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज मेलागासी बोलते हैं। हाय स्टोन्स लेटर 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 या आई विल कम लेटर योर प्राइस फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आई एम हंग्री बताइए यू का वक्त तो है या आई विल कम बैक मे बी आई विल कम बैक आई एम लिविंग हियर या वो भाई मेरे को बोल रहा है पत्थर ले लो पत्थर का क्या मैं सर में फोड़ूंगा मेरे को क्या करना है सर पत्थर लेके और यहाँ पे ये यहाँ के लोग कुछ ऐसे हाय सॉरी व्हाट इज दिस दिस इज पालिया दिस गुड है हाँ बट आई विल ट्रेवल फॉर 25 डेज देन आई विल कम बैक आई विल बाय आई कांट कैरी दिस 40,000 लेटर लेटर आई विल बाय लेटर अभी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ ना एंटानारियो में ये यहाँ का सिटी सेंटर है तो अभी थोड़ा सा सिटी सेंटर ये सड़कें कुछ ऐसी सिटी सेंटर के अंदर लेके चलता हूँ यहाँ के लोग हैं ना वो ना ही तो अफ्रीका जैसे लगेंगे आपको और ना ही एशियन जैसे लगेंगे मतलब मिक्सअप है दोनों का बहुत सालों पहले यहाँ पे ना साउथ ईस्ट एशिया से बहुत सारे लोग आके बसे और अफ्रीका से कुछ लोग आके बसे फिर उनका मिक्सअप होता गया लोगों ने शादी की नस्ल चेंज होती गई और उसके बाद आज ये जो प्रेजेंट नस्ल है ये तैयार हो गई साउथ ईस्ट एशिया से और अफ्रीकन लोगों से हेलो ब्रदर आई वांट टू ईट फूड वेयर इज देयर एनी रेस्टोरेंट 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 फॉर ईटिंग फूड नो नियर बाय शालीमार विच वन वेयर इज रेस्टोरेंट हेलो ब्रदर आर यू फ्रॉम इंडिया विच पार्ट From Mumbai. Mumbai. I am from Rajasthan, Jaipur. Restaurant. Yeah, I am searching for restaurant. You can go straight and take right. You will get there is a restaurant called Zian. Zian. Zian, and you will find Indian food over there. Good. Indian food also. Yeah. This red one, red building, you can see. Red building, I can see. You can go straight from there. Take left and go straight. Okay, okay. So you live here or you just I work for business purpose? Yes, business purpose, and I live 2 years. Now you are Indian resident or? No, I am Indian resident, but staying there. Okay, only for business purpose. Okay, bro. Nice to meet you. Thank you. Okay. Yeah. Okay. अभी वो एक बंदा था वो यहाँ पे लगभग 10 साल से यहाँ पे बिजनेस कर रहा है अभी है तो इंडियन रेजिडेंट ही लेकिन यहाँ पे आप लोगों को इंडियन बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे ये कैपिटल है मेडागास्कर की लेकिन ऐसा कुछ कोई खास यहाँ पे है नहीं ये यहाँ पे रास्ते चलते लोगों को कपड़े बेच रहे हैं यहाँ पे कौन खरीदेगा यार बिना चेक किए कैसे कपड़े खरीद लेंगे और फाइनली मैं आ गया हूँ यहाँ का जो डाउनटाउन एरिया है सिटी सेंटर यहाँ पे आप लोगों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो होगी खाने पे सॉरी लैंग्वेज की उसके बाद आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी खाने पीने में यहाँ पे क्या है कि फ्रेंच में और मेलागासी में लिखा हुआ होता है तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ऑर्डर करना क्या है यार वाह ये एरिया अच्छा लग रहा है भाई ये एरिया ठीक ठाक लग रहा है ज़बरदस्त लग रहा है अच्छा खुला खुला एरिया है ये और यहाँ पे क्रिसमस की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही है ऐसे मार्केट मैंने पहले कभी नहीं देखी इस तरह के इतने अफ्रीकन कंट्रीज में घूम चुका लेकिन इस तरह के मार्केट कभी नहीं देखे और देखो ईंट ले जा रहा है भाई कच्ची ईंटें ले जा रहा है उससे और फाइनली ये जो इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ रेस्टोरेंट का नाम है रेस्टोरेंट अरलेक्यून पता नहीं यार स्पेशल लाइट इंडियन नथे एट क्यूसन एडू मंडे ये भी यहाँ भी लोगों ने है ना जो उसी में लिख के रखा है फ्रेंच लैंग्वेज में लिख के रखा है लोगों ने और ये आप लोग यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं ये प्राइस एरियरी में लिखा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंडियन रुपीज से इंडियन रुपीज एक इंडियन रुपीज में 53 मेलागासी एरियर होता है मैंने अभी ऑर्डर किया है एक बिरयानी चिकन बिरयानी जिसका प्राइस 19,000 एरियर इंडियन करेंसी की बात करूँ तो होता है लगभग 350 रुपये के लगभग और ये बिरयानी मैंने ये वाला ऑर्डर किया है यहाँ पे अभी यार खाना वाना निपटा के अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे कोई मेरा जानकार है काउसर्फिंग के थ्रू मिला था मैं उस बंदे से
तो अभी उसी का यहाँ पे कोई ऑफिस है, तो मैं उससे थोड़ा सा गाइडेंस वगैरह लेने जा रहा हूँ कि यहाँ पे आखिरकार मैं मेडागास्कर को एक्सप्लोर करूँ कैसे। अभी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे एक्सप्लोर करूँ मेडागास्कर को। ये बच्चे क्या खेल रहे हैं यहाँ पे? वेरी लेटर 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 व्हाट इज दिस? जलेबी। जलेबी? हाँ जलेबी, वी कॉल जलेबी इन इंडिया ऑल्सो। लेटर आई एम कमिंग बैक। ये जलेबी है यार। हाय, डू यू नो वेर इज दैट होटल? लोरी होटल। दिस होटल, दिस वन। थैंक यू। Hi, I'm Faso, I'm the Malagasy, I live in Tana, I'm from Couchsurfing. That's right. मैं इस भाई के भाई से ना काउ सर्फिंग पे मिला था। ये काउ सर्फिंग होस्ट है, मैंने रिक्वेस्ट भेजी तो इन्होंने मेरी एक्सेप्ट की थी, लेकिन अभी तो मैं कल किसी जगह के लिए निकल रहा हूँ तो मैं भाई के पास बाद में रहूँगा। और ये देखो मेडागास्कर 1960 में आज़ादी मिली थी, और ये है जो यहाँ पे इन लोगों ने लगा रखा है, वो मेडागास्कर का आप लोगों को मैप दिख रहा होगा। और ये थे जो है मेडागास्कर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है ये, 1910 से 1978 तक ये जिए थे। 1960 में मेडागास्कर को फ्रीडम मिला था। और यहाँ पे देखो यहाँ की टैक्सियाँ कुछ ऐसी होती है, ये बहुत पुरानी लग रही मेरे को, और ये वाली तो कुछ अलग ही है। ये वाली ज़बरदस्त टैक्सी है यार। अभी मुझे टिकट लेना है मोरंडावा के लिए, मैं कल मोरंडावा निकल रहा हूँ। मोरंडावा यहाँ से काफ़ी दूर है, वैसे तो लाइक शायद 15-16 घंटे का बस जर्नी है। और ये मैं मेडागास्कर का मैप साथ में लेके घूम रहा हूँ, जगह का नाम भूल जाता हूँ फटाफट, तो इसमें देख के बता देता हूँ भाई मुझे यहाँ का जाना है, यहाँ का टिकट लेना है। जगह के नाम थोड़े अजीब से हैं, और मुझे लेना है टिकट इस जगह के लिए, मोरंडावा के लिए। ये देखो मोरंडावा का जो टिकट है वो है 60,000 एरियरी का। मेडागास्कर को अब तक बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना यार मेडागास्कर को एक्सप्लोर किया जाए। काफ़ी दूर तक भागे ही जा रहा था, पीछे 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 भागे ही जा रहा था। फिर ना मैंने सोचा यार इसको देना ही पड़ेगा, उसको 5,000 एरियरी दिए हैं फिर मैंने। यहाँ से एक पानी का बोतल खरीद रहा हूँ, ये पानी का बोतल है 2,700 हरियरी का। ये यहाँ पे लेडी केवल पानी और पेन और लाइटर बेच रही है बस। दैट्स इट। ओके ओके थैंक यू थैंक यू बाय 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 बाय। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। आई होप कि ये मेडागास्कर जो इथियोपिया से मेडागास्कर की जर्नी थी वो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, और ये अपना इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग यहां पे ज़रूर फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें। मिलते हैं फिर आगे मेडागास्कर के किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।